सुबह कार्यालय जाने के समय रेल रोको आंदोलन से यात्रियों को हुई परेशानी। सुबह की ट्रेनें करीब 30 से 40 मिनट की देरी से चल रही थी, इससे यात्री नाराज हो गए। डायमंड हार्बर सियालदह लोकल के दैनिक यात्रियों ने ट्रेन में देरी आरोप लगाते हुए बुधवार को ट्रेन रोक दी। इस ट्रेनों को रोकने के कारण इस शाखा पर रेल सेवा पूरी तरह से बाधित हो गई है। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज सैकड़ों लोगों को रेलवे लाइन पर उतरते हुए देखा गया। उनकी एक ही मांग है कि ट्रेन समय पर छूटे। सूचना मिलने पर जीआरपी मौके पर पहुंची, रेलवे पुलिस भी आई। यात्रियों का दावा है कि कई बार ट्रेन लेट होने पर उन्होंने स्टेशन प्रबंधक, रेलवे अधिकारियों को इसकी सूचना दी है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। सुबह सुबह की इस ट्रेन से यात्रियों का समूह अलग अलग काम से जाता है। इसके अतिरिक्त व्यापारी अपना विभिन्न सामान कोलकाता लाते हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा ने कहा, रेलवे की कोशिश रहती है कि ट्रेनें देरी न हो। मैं यात्रियों से कहूंगा कि वे विरोध प्रदर्शन नहीं करें। एक जगह में हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण विभिन्न शाखाओं की ट्रेनों को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा, उस खंड के कई रेल गेटों को समय पर बंद करने की अनुमति नहीं है, गाड़ियां हमेशा आती जाती रहती है। नतीजा यह हुआ कि ट्रेन लाइन पर रुक गई। एक ट्रेन के लेट होने का मतलब है उसके पीछे कई ट्रेनें लेट होना। एक यात्री तिलका सरदार ने कहा, 3 महीने से ट्रेनें समय पर नहीं चल रही हैं। ट्रेनें 20 से 40 मिनट की देरी से चल रही हैं। हम कल से समय पर ट्रेन सेवा की मांग कर रहे हैं, इसलिए यह आंदोलन किया है। पता चला है कि यात्री बुधवार सुबह 5:40 बजे से सियालदह दक्षिण शाखा पर डायमंड हार्बर स्टेशन पर रेल आंदोलन शुरू किया। यात्रियों ने शिकायत की कि डायमंड हार्बर सियालदह लोकल ट्रेन देरी से चल रही है और उन्होंने मौखिक रूप से रेलवे अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन रेल प्रशासन की जानकारी में भी इसका कोई समाधान नहीं है। इस बार यात्रियों ने सप्ताह के तीसरे दिन सुबह से ही रेल का चक्का जाम कर दिया। परिणाम स्वरूप सियालदह दक्षिण शाखा का डायमंड हार्बर स्थानीय यातायात आज सुबह से ही बाधित हो गया है। আপনারা জানেন আজ সকাল থেকে ডায়মন্ড হারবারে একটা অ্যাজিটেশন চলছে, যার ফলে সকাল 6টা থেকেই চলছে, যার ফলে ট্রেন সার্ভিসেস ডিসাপশন আছে শিয়ালদহ ডায়মন্ড হারবার শাখায়। তো আমাদের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার নিজে ওখানকার লোকাল যারা আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, যারা অ্যাজিটেশনের মধ্যে ইনভলভ আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাদেরকে অনুরোধ জানিয়েছেন যে এইভাবে অ্যাজিটেশন করে সব মানুষকে এত এত যাত্রী তারা যাতে অসুবিধা না পড়ে সেটা দেখার জন্য ওখানকার লোকাল পুলিশের সঙ্গে আমাদের লোকাল জিআরপির সঙ্গে কথা বলেছেন আমাদের ডিভিশন রেলওয়ে ম্যানেজার। আর আমাদের ওখানকার যে ডায়মন্ড হারবারের যিনি এমএলএ আছেন তার সঙ্গেও কথা হয়েছে। তো আপনাদের এই আপডেটটাই দেওয়ার ছিল যে জাস্ট 10 মিনিট আগে যে ট্রেনটি আটকে ছিল ডায়মন্ড হারবারে সেই ট্রেনটি এখন ছাড়া শুরু করেছে, ছেড়েছে।